समय है 1997 की, जब क्रिस्टोफर नॉलन फिल्म मेकिंग सीख रहे थे। तब उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी। जी हाँ, शॉर्ट फिल्म। फॉलोइंग और मोमेंटो जैसी फिल्म बनाने से पहले क्रिस्टोफर नॉलन ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जिसका नाम डूडल बग है। इस फिल्म को नॉलन ने अपने कॉलेज के समय में लिखा था। आपको यहाँ बता दें कि यह नॉलन की पहली शॉर्ट फिल्म नहीं थी, लेकिन इस शॉर्ट फिल्म ने नॉलन को एक अलग ही पहचान दी थी। इस फिल्म में कोई डायलॉग नहीं है, लेकिन मात्र 3 मिनट की यह शॉर्ट फिल्म कुछ कहे बिना ही बहुत कुछ कह जाती है। वैसे तो आप इस फिल्म को डायरेक्टली यूट्यूब पर देख सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 3 मिनट की है, लेकिन मैं बता दूं कि इस शॉर्ट फिल्म में बहुत सारे सिंबोलिज्म और डीप फिलॉसफी का यूज किया गया है, जो काफ़ी कम लोग ही समझ पाए होंगे। इस वीडियो में मैं यह शॉर्ट फिल्म को डिकोड करने की कोशिश करूँगा और मैं बतलाऊँगा कि मैंने इस मूवी से क्या समझा है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। एक डार्क रूम में एक आदमी अपने हाथों में जूते लिए कुछ ढूंढ रहा है। हमें शुरू में लगता है कि शायद ये किसी इंसेक्ट को ढूंढ रहा है, क्योंकि इस मूवी का नाम भी डूडल बग है, जो एक इंसेक्ट को दर्शाता है। आदमी इस बग को ढूंढता रहता है और पीछे घड़ी की आवाज़ आती है। वह पीछे मुड़ के देखता है, फिर वह उस बग को ढूंढना शुरू कर देता है। फिर फ़ोन की घंटी बजती है और वह फ़ोन रिसीव करके छोड़ देता है। फ़ोन के आवाज़ से वह इरिटेट होके उसे पानी के जार में डाल देता है। फिर हमें घड़ी को दिखाया जाता है। वह ये सब इग्नोर कर उस बग को ढूंढने लगता है। फाइनली वह उस बग को एक कपड़े के नीचे पाता है, और जब कपड़ा उठाता है तो हम देखते हैं कि उस कपड़े में कोई और नहीं, ये आदमी खुद होता है, लेकिन एक इंसेक्ट जितना बड़ा होता है। जैसे ही वह छोटा आदमी अपना हाथ को उठाकर ज़मीन पर पटकता है, वैसे ही हमारा हीरो उस छोटे हीरो को अपने जूते से मार देता है। और फिर हम देखते हैं कि सेम एक्शन से इस हीरो से भी बड़ा एक और हीरो हमारे हीरो को जूते से मार देता है, और कहानी यही ख़त्म हो जाती है। तो अगर इस फिल्म को हम करीब से देखें तो पाएंगे कि ये कोई नई चीज़ नहीं है हमारी सोसाइटी में, खास करके इंडियन सोसाइटी में। हम अक्सर देखते हैं कि बड़े तबके की कम्युनिटी अपने से छोटे तबके की कम्युनिटी को दबाने की कोशिश करती है। शायद नॉलन यही दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे। एक आदमी अपने से छोटे आदमी को मारता है और उसी आदमी को उससे बड़ा आदमी मार देता है, और ये साइकिल इनफाइनाइट है। लेकिन कुछ लोग इसे डिज़ायर और टाइम से जोड़ते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो घड़ी दिखाया गया है वह समय की पाबंदी को बताता है, और फ़ोन को लाइबिलिटीज़ के रूप में दिखाया गया है। हम देखते हैं कि जो हीरो होता है वह प्रेजेंट लाइफ को दर्शाता है। जैसे हम अपने पास्ट में किए हुए गलतियों को मिटा देना चाहते हैं, वैसे ये हीरो अपने छोटे वर्जन को मार देता है। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि जो भी हम प्रेजेंट में करते हैं उसका प्रभाव फ्यूचर में ज़रूर पड़ता है। वैसे वो बड़ा आदमी इस मीडियम आदमी को मार देता है। खैर, आखिर में तो ये नॉलिन की मूवी है, तो एंड हमेशा की तरह मिस्ट्री ही रहेगी। तो ये रही हमारी एक्सप्लेनेशन। आपको इस कहानी के बारे में क्या लगता है और आपकी क्या फिलॉसफी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमने एक और थ्रिलर मूवी का एंडिंग एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसका नाम है अ डेथ इन द गंज। उसे आप ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।